आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। देश में फर्टिलाइजर के लिए अब पहले से अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए पोटाश जरूरी होता है और भारत भारी मात्रा में पोटाश का आयात भी करता है। रूस और बेलारूस पोटाश के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के कारण पोटाश की आपूर्ति संकट में पड़ गई है। यूक्रेन भी पोटाश का निर्यात करता है। भारत के कुल फर्टिलाइजर आयात का 10-12% हिस्सा रूस, यूक्रेन और बेलारूस का है। इस युद्ध से पहले भारत रूस के बंदरगाहों के जरिए बेलारूस का पोटाश आने की योजना बना रहा था, लेकिन प्रतिबंधों के कारण यह योजना कटाई में पड़ती दिख रही है। इसके अलावा पोटाश उत्पादन करने वाले अन्य देश जैसे कनाडा अपना उत्पादन बढ़ाने को सहमत नहीं है और इसी कारण वैश्विक बाजार में इसके दाम भी अधिक है। फर्टिलाइजर के अधिक कीमत के कारण केंद्र सरकार को अधिक अनुदान देना पड़ सकता है। अगले वित्त वर्ष में भारत का आयात का खर्च $50 अरब से अधिक होने की संभावना है, जिसे अधिकांश हिस्से तेल और फर्टिलाइजर का होगा। इस बोझ को कम करने के लिए भारत तेल की सप्लाई के लिए रूस और फर्टिलाइजर के लिए बेलारूस से बात कर सकता है। सरकार को लगता है कि अगले वित्त वर्ष में फर्टिलाइजर सब्सिडी कम से कम 200 अरब रुपए से लेकर 300 अरब रुपए तक हो सकती है। अभी इसका अनुमान 1.05 अरब रुपए का है। सूत्रों ने कहा है कि रूस अगर सस्ते में फर्टिलाइजर देता है तो ज़रूर खरीद की जाएगी। तो ये थी बात कि कैसे बेलारूस खरीदेगा फर्टिलाइजर। तो ऐसे ही और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।